फ्रेंड नमस्कार, दाएं फैब्रिक में फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो, नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमर का डिमांड थी कि भैया प्रिंट की ही वीडियो बनाइए, तो आज हम प्रिंट की वीडियो बना रहे हैं। तो इसके अंदर साउथ कॉटन है, सेल्फ है, और इसके अंदर आपको खादी कॉटन मिलेगा। तो ये सारी आइटम है, 150 रुपये मीटर मार्केट वैल्यू है, लेकिन हम आपको मात्र देंगे 99 रुपये मीटर। ध्यान से सुनिए, मार्केट के अंदर कम से कम ये वाला कपड़ा आपको 150 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा। हम आपको मात्र 99 रुपये मीटर आपको देंगे, ठीक है। ये देखिए 99 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, और होल सेल के अंदर आपको 85 रुपये मीटर पड़ने वाला है। ठीक है, ये देखिए मात्र 99 रुपये मीटर के अंदर आपको ये फैब्रिक मिलेगा। काफी अच्छा आइटम है, मैं आपको कपड़े की रेंज दिखा दूँ। इसे साउथ कॉटन बोलते हैं। तो 3-4 आइटम है इसके अंदर। तो काफी, जब हमारा स्टोर खुला हुआ था तो काफ़ी ये माल बिकता था और काफ़ी डिमांडेड आइटम है। मार्केट की वैल्यू कम से कम 150 रुपये मीटर है, और हम मात्र आपको देंगे 99 रुपये मीटर, ठीक है। जो साउथ कॉटन बोलते हैं, इसकी विर्थ की बात करें तो वही 44 की विर्थ आने वाली है इसकी। ये देखिए तो 2.5 मीटर में आपको इस तरीके से कुर्ती बन जाएगी आपको, ठीक है ना। 2.5 मीटर कुर्ती लीजिए, और अगर पूरा ऑल ओवर बनाना है तो 5 मीटर लीजिए, ठीक है जी। ये देखिए, और ख़रीदने का तरीका हमारा सिंपल सा है। हम व्हाट्सअप पे काम नहीं करते, हमने आपको सुविधा के लिए वेबसाइट बना दी है। daimafabric.com हमारी वेबसाइट है। ख़रीदने का तरीका सिंपल सा तरीका, daimafabric.com हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाना है और आपको सिर्फ ऑर्डर कर देना है, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी daimafabric.com हमारी वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना, हमारी वेबसाइट का। वहाँ से आप माल खरीद सकते हो आराम से जाके, रात दिन 24 घंटे जब तक मन करे। तो छोटे बड़े सारे पीस हैं, लिमिटेड माल है। जैसे हमारी वीडियो रिलीज हो तो तुरंत हमारी वेबसाइट पर जाइए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाइए और माल को खरीद लीजिए, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर खरीदने का तरीका हमको बता चुके हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट से आपका शिपिंग चार्ज लगेगा, और पहले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ध्यान से सुनिए, हमारी वेबसाइट पर सीओडी नहीं है, पहले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, और परसेंटेज के हिसाब से हमारी वेबसाइट पर शिपिंग चार्ज लगता है। तो कई कस्टमर का कमेंट आया था कि भैया पहले आप तो आप किलो के हिसाब से लेते थे, तो व्हाट्सअप पे कोई भी काम करता है, हम भी पहले व्हाट्सअप पे काम करते थे तो किलो के हिसाब से पैसे लेते थे, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा किलो का हिसाब नहीं चलता है। मैं सभी कस्टमरों को वीडियो के माध्यम से बता दूँ, ठीक है जी। वेबसाइट पे परसेंटेज के हिसाब से शिपिंग चार्ज लगता है, क्योंकि वेबसाइट की जो सर्विस होती है वो फास्ट होती है और जल्दी होती है। तो वेबसाइट हमेशा जो शिपिंग चार्ज लेती है परसेंटेज के हिसाब से लेती है। तो मैं जैसे कि हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखो 100 रुपये का माल मंगा रहे हो, तब भी शिपिंग चार्ज आपको उतना ही लगेगा जितना आप 1000 रुपये का माल मंगाओगे, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप 100 रुपये का माल मंगा रहे हो तब भी शिपिंग चार्ज उतना ही लगेगा, अगर आप 1000 रुपये का माल मंगा रहे हो तब भी शिपिंग चार्ज आपका उतना ही लगेगा। तो कम से कम आप 1000 रुपये का माल तो मंगाएं, ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। तो कस्टमर की डिमांड थी, कस्टमर बोल रहे थे, इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। आप 100 रुपये का माल मंगाओगे तब भी शिपिंग चार्ज उतना ही लगेगा, अगर आप 1000 रुपये का माल मंगाओगे तब भी शिपिंग चार्ज उतना ही लगेगा, 1000 के बाद शिपिंग चार्ज बढ़ जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो सभी कस्टमरों को हम ये जानकारी दे दें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक। और हमसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम भी आपके सारे सवालों का जवाब नाइट में ही देंगे। ये देखिए, इसे बोलते हैं सेल्फ का। मार्केट के अंदर 150 रुपये मीटर, 180 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा आपको, रियल बता रहा हूँ मैं। और 100% कॉटन की हमारी गारंटी होगी इसके अंदर, ठीक है जी। थोड़ा सा ही माल बचा है, ज़्यादा माल नहीं है, छोटे बड़े सारे पीस हैं। तो सभी कस्टमर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि नया माल अभी किसी के पास नहीं आ रहा है, हमारे पास भी अभी नया माल नहीं आ रहा, सभी कस्टमर से मैं रिक्वेस्ट करूँ। लॉकडाउन खुलेगा तभी नया माल आएगा, तो माल ज़्यादा है नहीं हमारे पास, थोड़ा सा माल है, तो माल जल्दी से खरीद लीजिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिनके पास है, सभी के पास पुराना माल है, मेरे पास क्या, किसी के पास भी नया माल अभी नहीं आया है। सभी कस्टमर को मैं बता दूं, कोई आपसे झूठ बोले कि नया माल आया है तो दाइमा फैब्रिक ऐसा नहीं करती। दाइमा फैब्रिक जो बात सच होती है वही बताती है। ये हमारा 1 महीने पहले का ही माल है, लॉकडाउन से पहले का ही माल है हमारे पास, रेगुलर बिक रहा था, ठीक है जी। रेट मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट के अंदर कम से कम 150 रुपये मीटर है, लेकिन हम आपको मात्र देंगे 99 रुपये मीटर। ये देखिए 2.5 मीटर में कुर्ती तैयार, 2.5 मीटर के अंदर आपका सलवार तैयार, और पूरा ऑल ओवर 5 मीटर में तैयार हो जाएगा। तो सेल्फ कॉटन इसे हम बोलते हैं, काफ़ी अच्छी आइटम। अब ये देखिए लाइनिंग वाली, इसके अंदर भी हमारे पास ये देखिए 3 कलर है, ठीक है ना। काफ़ी माल, बहुत ही अच्छा कॉटन है, बहुत ही सुंदर कॉटन। आप जितना इस माल को, कपड़े को देखोगे, मंगाओगे, तो काफ़ी तारीफ आप करोगे।
रेटों की और क्वालिटी की पूरी इंडिया की गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैंने आपको कॉटन 80 रुपए मीटर भी दिखाया था, मेरी पुराने कल की वीडियो देखना, मैंने 80 रुपए मीटर भी दिखाया। अब मैंने आपको दिखाया 99 रुपए मीटर, जो 80 रुपए मीटर वाला था वो 120 रुपए मीटर वाला था जो मैंने आपको 80 में दिया है, और ये 150 रुपए मीटर वाला है जो मैं आपको 99 रुपए मीटर में दे रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद कॉटन की वैरायटियाँ हम बढ़ती रहती है, तो हमारे पास जो कि कॉटन की जो मीडियम क्वालिटी होती है हम वही लेके आते हैं, क्योंकि सिलाई बहुत महंगी है, कपड़े से ज़्यादा सिलाई महंगी लगती है, तो हम क्वालिटी बढ़िया ही लाते हैं, ठीक है। कॉटन है, हल्का फुल्का श्रिंक होगा सभी कस्टमर को मैं बता दूं, और थोड़ा सा हल्का फुल्का कलर भी जाएगा। सभी कस्टमर ध्यान करके सुन ले कि कॉटन 100% जो कॉटन होगा वो हल्का फुल्का श्रिंक होगा और थोड़ा सा कलर भी जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो ये बात तो आपको हर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ डायमा फैब्रिक ही आपको बताएगी, क्योंकि हम सारी बात क्लियर करके चलते हैं कि कस्टमर को बाकी दिक्कत ना हो। कपड़े की केयर कीजिए, हमारे भी घर में यही कपड़ा यूज होता है, तो कपड़े की केयर कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कपड़े को धूप में सुखा के छोड़ दो, कॉटन कपड़े को कभी भी ज़्यादा तेज धूप में नहीं सुखाना चाहिए, सभी कस्टमरों को मैं वीडियो के माध्यम से बता दूँ, ठीक है ना। हो सके तो कॉटन के कपड़े को हमेशा छाया के अंदर ही सुखाना चाहिए, सभी कस्टमर ध्यान करके सुन लें। और कॉटन के कपड़े जितनी आप केयर करोगे उतना ही कॉटन कपड़ा बढ़िया रहता है, जैसे कि आप क्लिच वगैरह डालते हो उसके अंदर वो डालो, ठीक है ना, और प्रेस वगैरह कॉटन मांगता है, तो केयर देखो, सबसे बड़ी बात है कपड़े की केयर करना। कपड़े की केयर करोगे तो कपड़ा काफ़ी अच्छा चलता है कॉटन का कपड़ा, और कॉटन कपड़ा एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि 12 महीने चलता है, काफ़ी अच्छा कपड़ा, बहुत ही सुंदर कपड़ा, मार्केट के अंदर कम से कम आपको 150 रुपए मीटर से कम नहीं मिलेगा जो आज कपड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं मात्र आपको दे रहा हूँ 99 रुपए मीटर। तो खरीदने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, daimafabric.com हमारी वेबसाइट है, स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही होगी daimafabric.com, और कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा आप जो वीडियो देख रहे हो उसी के नीचे, और गूगल पे भी अगर आप टाइप करोगे दाइमा फैब्रिक तो भी आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट के लिए अब आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कोई आपको मैसेज का जवाब नहीं मांगना, कोई आपको कॉल नहीं करनी, सारी सुविधा हमने ख़त्म कर दी, मतलब कि सारी सुविधा कर दी आपके लिए, सारी दिक्कतें हमने ख़त्म कर दी। पहले आपको स्क्रीनशॉट खींचना था, फिर रिप्लाई करना था, फिर कॉल अटेंड करनी थी, सारे बहुत सारे झंझटें थे, वो सारे झंझट मैंने ख़त्म कर दिए। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखते तुरंत कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से क्लिक कीजिए, सीधे वेबसाइट पे पहुँचिए और वहाँ सिंपल से ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर करने के बाद आपको वहाँ पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है ना, पेमेंट और शिपिंग चार्ज जुड़ जाएगा आपका, पेमेंट आपकी लग जाएगी, सुबह मॉर्निंग में यहाँ से आपका पार्सल निकल जाएगा और आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, आप 1 मीटर लो चाहे 1000 मीटर लो, रिटेल में कोई पाबंदी नहीं, चाहे 100 रुपये का कपड़ा लो चाहे आप 1000 का कपड़ा लो, जितना मर्जी, रिटेल में कोई पाबंदी नहीं है। 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, और चाहे 100 रुपये का कपड़ा, चाहे 1000 रुपये का कपड़ा, चाहे 500 कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं रिटेल के अंदर, ठीक है जी। होलसेल के अंदर कुछ पाबंदियाँ हैं, मैं आपको बता दूँ, होलसेल के अंदर कम से कम आपको 10,000 का ऑर्डर करना पड़ेगा, एक थान एक कलर में 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, और कम से कम 10,000 का ऑर्डर करना पड़ेगा होलसेल के लिए, और होलसेल के लिए हम आपसे व्हाट्सअप पे ही लेंगे आपको, ठीक है। होलसेल के लिए वेबसाइट नहीं है, सभी कस्टमर को मैं बता दूँ, होलसेल के लिए आपको हम व्हाट्सअप नंबर पे ही आपको होलसेल माल पहुँचाएंगे। तो होलसेल के लिए 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा एक थाने एक कलर में से, और कम से कम 10,000 का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो आपको किलो के हिसाब से शिपिंग चार्ज आपको होलसेल में लगेगा, ठीक है जी। होलसेल में आपको किलो के हिसाब से शिपिंग चार्ज बता दिया जाएगा जी, आपको इतना कपड़ा हो गया, इतने किलो के हिसाब से आपका ये शिपिंग चार्ज लग रहा है। तो होलसेल के लिए व्हाट्सअप है, रिटेल के लिए हमारी वेबसाइट है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये दिखा दिया मैंने, इसके बाद मेरे पास खादी कॉटन है, ये देखिए खादी कॉटन, और सेल्फ वाला भी है मेरे पास 3-4 पीस। ये आइटम दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आइटम दिखाने से पहले जैसे कि मैं आपका 10 मिनट का समय लेता हूँ, जैसे कि हर वीडियो के अंदर मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिन जिन कस्टमरों को मेरी कहानी सुननी हो वो सुने, और जिसको ना सुननी हो जिनको तो वो स्क्रिप करके माल को देख सकते हो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे, मेरा फैब्रिक अच्छा लगे, तो कमेंट जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जिन कस्टमरों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो मैं उनसे विनती करता हूँ कि कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफ़ी कस्टमर मेरी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जितने भी नई नई वीडियो आते रहे आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो रेगुलर देखते रहे। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छे लगे, फैब्रिक अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो आपका एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है, आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है, ठीक है ना। अगर कोई कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर कोई दिक्कत हो तो डिसलाइक करना, हम सब चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, ठीक है जी। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको कोरोना वायरस के ऊपर सुनाने वाला हूँ। देखो कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस इस टाइम जवानों को भी, बुढ़ों को भी, हर किसी को कोरोना वायरस हो रहा है, और होता भी है, और कस्टमर काफ़ी सही भी
काफ़ी जो कि कोरोना वायरस ग्रस्त होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली डरने वाली बात किसी को भी नहीं है। कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि जिनकी इम्यूनिटी जो अच्छी है तो होके कोई बात नहीं, हो जाता है। आप अपने घर पे 15 दिन 10 दिन अपने घर में रहिए, दवाई लिए, ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी को भी अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जैसे किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो उनको दूर दूर तो रखते हैं, मैं मानता हूँ दूर रखना अच्छी बात है, उनको एक कमरे में रहना अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ एक व्यवहार भी करना बहुत अच्छी बात है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोरोना वायरस हो जाए तो उनका ध्यान रखिए, सेफ्टी के साथ उनका ध्यान रखिए, उनका अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि उनको लगे कि मेरा परिवार कितना अच्छा है, ठीक है जी। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। राम कुमार जी रोज की तरह अखबार पढ़ रहे थे। रोज का राम कुमार जी का एक नियम था कि सुबह अपनी बालकनी में जाते राम कुमार जी और बालकनी में जाके चाय पीते, अखबार पढ़ते। एक दिन उनकी चाय पीते पीते खांसी आई, खांसी आई तो उनको थोड़ा सा लगा कि खांसी आ रही है, तो धीरे धीरे उनको बुखार भी आने लग गया, बुखार आने लग गया, खांसी आने लग गई, तबीयत उनकी ख़राब हो गई। तो वो समझ चुके थे कि शायद मुझे कोरोना वायरस हो गया है, मुझे वायरस की चपेट में मैं आ गया हूँ। ये बात उन्होंने अपने परिवार को बताई, परिवार वालों ने भी वो भी लगा कि हाँ इनकी तबीयत ख़राब है, खांसी में सांस लेने में दिक्कत आ रही है और हो सकता है कि इनको कोरोना वायरस हो गया। तो उन्हें एक कमरे के अंदर भेज दिया गया और कमरे को बंद कर दिया गया क्योंकि सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने भी अपनी सेफ्टी की और वो कमरे में जाके चले गए। तो सुबह की बात थी, नाश्ता नहीं, चाय भी उन्होंने छोड़ दी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अंदर कमरे में जाके वो बैठ गए। उनके बच्चों ने हॉस्पिटल फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस को आने में समय लगेगा, एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हम 2-3 बजे के बीच में आएंगे। तो उनके पास कोई नहीं जा रहा डर की वजह से कि भाई उनको कोरोना वायरस हो गया है। तो उनका जो उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, कुत्ते के नाम शेरू नाम था कुत्ते का, तो कुत्ता काफ़ी झटपटा रहा था कि मेरा मालिक आज अंदर बंद क्यों है। राम बाबू जी, राम कुमार जी बोल लीजिए आप, राम जी बोल लीजिए, कोई भी नाम मतलब कि आपको रख सकते हैं, मैं तो एक नाम का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो राम जी बोल लीजिए आप, तो राम जी कमरे के अंदर बंद है तो कुत्ता काफ़ी झटपटा रहा था। तो काफ़ी देर होने के बाद राम जी ने अंदर से कुंडी खोली और कुत्ते को उन्होंने अंदर ले लिया। कुत्ता उनका लिपट लिपट के काफ़ी देर उनको चाटा और काफ़ी देर कुत्ता उन्हीं के पास ही बैठ गया। बैठने के बाद राम कुमार जी को 1-1.5 घंटा हो गया, लेकिन राम कुमार जी के पास ना कोई चाय लेके आ रहा, कोई ना नाश्ता लेके आ रहा, काफ़ी देर उनको हो गई, कोई उनको पूछ ही नहीं रहता। वो कारण इसलिए कि भाई कोई जाएगा तो किसी को भी कोरोना वायरस हो सकता है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई, कॉलोनी में फैल गई, सोसाइटी के अंदर फैल गई, सबको पता लग गया, लेकिन मिलने कोई नहीं आ रहा। कारण वही कोरोना वायरस की वजह से कोई मिलने के लिए इनके पास नहीं आ रहा था। तो उनका एक मित्र था, उन्होंने काफ़ी हिम्मत करी, हिम्मत करने के बाद उन्होंने जाके घर वालों से संपर्क किया, घर वालों ने सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई सिस्टम की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनको हॉस्पिटल भेज देंगे और वो सही हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि राम जी ने कुछ खाया कि नहीं खाया सुबह से, कह रहे सुबह चाय पी रहे थे, चाय भी उन्होंने छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई नाश्ता तो पहुँचाओ, सुबह से भूखे हैं, 1-1.5 बजे का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, और सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो राम कुमार जी ये सारी बातें सुन रहे थे, तो घर के अंदर से उन्होंने बोला, राम जी की उन्होंने पत्नी से बोला कि आप जाके नाश्ता दे के आइए। पत्नी डर के मारे नहीं जा रही थी कि भाई मैं अगर नाश्ता देने जाऊंगी तो मुझे कोरोना वायरस लग जाएगा, तो वो डर के मारे नहीं जा रही थी। दो उनके लड़के थे, दो उनकी बहू थी, पोता पोती थे, सभी से उन मित्र ने कहा कि भाई कोई ना कोई तो उनको नाश्ता दे के आइए, लेकिन कोई भी नाश्ता देने के लिए उनके पास तैयार नहीं था, कारण कि कोरोना वायरस हमें ना लग जाए। ये उनके मित्रों ने देखा, फिर मित्र ने देखा कि खुद उनके परिवार वाले ही कोई उनको नाश्ता नहीं पकड़ा रहे, तो वो खुद उठ के चल दिए, वहाँ से चल दिए। उनके जो दरवाज़ा था बंद था राम जी का, वहीं पे दरवाजे के बाहर उनका नाश्ता रख दिया गया, नाश्ता रख दिया गया। राम कुमार जी सारी बात देख रहे, आवाज़ बाहर से उनकी बीवी ने बोल दिया कि आपका नाश्ता रखा है, आप ले लेना, ठीक है जी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सब अपने दूर दूर हो गए, सब अपने अपने कमरे में जाके छुप गए, बंद हो गए, इतना डर उन्होंने अपने कर लिया कि कोरोना वायरस उनको हो रहा है। राम कुमार जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी की आंखों में आंसू आ गए, और वो कुत्ता झट से गया और वो नाश्ते जो नाश्ता था जो वो दरवाजे के रख गए थे, नाश्ते की थाली को कुत्ता अपने मुंह से खींच के ले आया। राम जी ने दरवाजा बंद कर लिया और कुत्ते के साथ राम जी रोने लग गए, और रोते रोते उन्होंने नाश्ता किया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज तुमने मुझे क्या दिन दिखाए, जिस परिवार के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी
बिताई और पूरी जिंदगी मैंने उनके साथ रहा, आज वो परिवार मेरे को नाश्ता देने लायक भी नहीं रहा और राम कुमार जी रो रहे, उधर कुत्ता भी उनको देख के रोने लग गया। फिर उन्होंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वो सोचते रहे लेकिन उनकी रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी, लेकिन कोई लड़का या उनकी लड़के की बहू, उनकी पत्नी, कोई पोता पोती, कोई उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उन्हें कोरोना वायरस हो रहा था। ये चीज़ देख के 3 बजे के करीब हो गए, 3 बजे के बाद एम्बुलेंस आ गई तो राम जी को एम्बुलेंस के लिए बोल दिया गया। सारे परिवार वाले दूर दूर खड़े हो गए, लड़का दूर खड़े कोने में खड़ा हो गया, बहू दूर कोने में खड़ी होगी, उनकी बीवी अलग कोने में खड़ी होगी, पोता पोती अलग कमरे पर छत पर जाके खड़े हो गए। राम जी अपने कमरे से बाहर निकले और बाहर निकलते मेन गेट पे गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके परिवार का कोई भी उनको देखने के लिए नहीं था। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और राम जी देखते रहे और रोते रहे। फिर राम जी ने वो जो मेन गेट था उसको उन्होंने चूमा और चूमने के बाद वो अपनी एम्बुलेंस के अंदर बैठ गए। कुत्ते ने जैसे ही देखा कि मेरा मालिक राम जी एम्बुलेंस में बैठ गया, कुत्ता भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल दिया। जब एम्बुलेंस चलेगी तो राम जी की बेटी की बहू आई और उसने जो राम जी ने जो लास्ट गेट था उसको चूमा था, उस गेट पे पानी गिर के वो चले गई क्योंकि उन्होंने इस गेट को चूम लिया तो हमें कहीं कोरोना वायरस ना लग जाए। उन्होंने भी उस पे पानी फेंक दिया राम जी ने, जिसको अपने ज़मीन को उन्होंने चूमा था। ठीक है जी, समय चले गया, राम जी का वहाँ टेस्ट हुआ, राम जी हॉस्पिटल के अंदर कोरोना ग्रस्त निकले। ठीक है जी, और हॉस्पिटल जाने के बाद राम जी हॉस्पिटल के अंदर चले गए और वो कुत्ता वापस अपने घर शाम को आया तो कुत्ते को भी उनके परिवार वालों ने डंडे मार मार के भगा दिए क्योंकि वो राम जी के साथ कुत्ता रह रहा था तो उनको ये डर था कि कुत्ते से कहीं हमें कोरोना वायरस ना लग जाए, तो उन्होंने कुत्ते को मार मार के ज़बरदस्ती कुत्ते को भी उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, 15 दिन के लिए राम जी का इलाज चलता रहा। 15 दिन के बाद राम जी का टेस्ट हुआ तो राम जी की रिपोर्ट अच्छी आई कि अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, अब आप घर जाने के लायक हो। तो हॉस्पिटल वालों ने राम जी के परिवार को फ़ोन कर दिया कि आपके पिताजी या आपके पति सही हो गए हैं, आप इन्हें ले जा सकते हो, तो 10 बजे के करीब आप आ जाइए, हम इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, इनको छुट्टी हम दे रहे हैं। ठीक है जी, राम जी को 10 बजे छुट्टी मिलनी थी, परिवार वाले 10 बजे तक कोई भी उन्होंने लेने नहीं आया क्योंकि वो आने में नहाने में धोने में लेट हो गए। उन्होंने कहा था हॉस्पिटल चलना है, ले आएंगे आराम से चल के। राम जी हॉस्पिटल से 10 बजे बाहर निकले तो राम जी क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर उनका कुत्ता लेटा हुआ था शेरू। जैसे राम जी ने उस कुत्ते को देखा और कुत्ते के गले से चिपट के रोने लग गए बहुत जोर से, उधर कुत्ता भी जोर जोर से रोने लग गया। सामने एक चाय वाला था, वो ये सारा दृश्य देख रहा था, वो पास में गया और बोला अंकल जी ये कुत्ता आपका है? तो उन्होंने कहा जी ये कुत्ता मेरा है, उसका नाम शेरू है। कह रहा अंकल जी ये 15 दिन से कुत्ता यहीं पर बैठा हुआ है, 15 दिन से कुत्ता यहीं पर बैठा हुआ है, मैं रोज़ इसे दूध बिस्कुट खिलाता हूँ, कभी तो ये खा लेता है, कभी ये नहीं खाता है, और ये 15 दिन से रो ही रो रहा है, तो और ये हॉस्पिटल की तरफ देखता रहता है। राम जी ने जैसे ही देखा राम जी कुत्ते को चिपटे, राम जी रोने लगे बहुत जोर जोर से। राम जी का घर राइट की तरफ था लेकिन राम जी लेफ्ट की तरफ कुत्ते को लेके निकल चुके थे। जैसे ही परिवार वाले हॉस्पिटल पहुँचे, लड़का उनका पहुँचा, बहू उनकी माला पहुँचे ले जाने के लिए, तो डॉक्टर साहब बोले कि राम जी की तो छुट्टी हो गई, राम जी तो यहाँ चले गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई पिताजी घर पे चले गए होंगे। वो घर पे जाते हैं तो पिताजी वहाँ पे नहीं थे, उन्होंने काफ़ी ढूंढा डांडी करी, शाम तक ढूंढा, रात ढूंढा, शाम ढूंढा और पुलिस थाने में भी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई लेकिन राम जी का कहीं पता नहीं था, राम जी घर छोड़ के जा चुके थे। और फिर उन्होंने लाश में क्या काम करा, उन्होंने एक पेपर में छपवा दिया कि राम जी ये इनकी उम्र है, ये इनका नाम है, ये लापता है, और अगर कोई इन्हें ढूंढ के ला के देगा तो 40,000 रुपये उन्हें इनाम मिलेगा, और 40,000 रुपये उन्होंने इनाम रख दिया। राम जी की भी पेंसिल 40,000 रुपये महीने की आती थी तो वो राम जी की एक महीने की पेंसिल का ही उन्होंने इनाम बना दिया और राम जी घर छोड़ के चले गए। तो मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने देखो राम जी ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के परिवार के साथ उन्होंने रहे और अच्छा उन्होंने साथ रहा, लेकिन एक कोरोना वायरस, जरा से कोरोना वायरस ने उनका पूरा साथ छोड़ दिया और वो घर छोड़ के कुत्ते को लेके कहीं पे निकल गए। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी के भी परिवार के अंदर किसी के भी सिस्टम अगर आपको नेगेटिव नज़र आते हैं, अगर कोई कोरोना ग्रस्त भी हो तो उनको आप कमरे में रखिए, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए ताकि उनको ये ना लगे कि मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी करना और एक
दुर्व्यवहार करना बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर कोई भी किसी को भी कोई सिस्टम हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, उनको प्यार से तरीके से खाना पकड़ाना, नाश्ता पकड़ाना, उनका केयर करना, उनका ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है, जवान बुढ़ा, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, तो उनका अच्छे तरीके से हमें केयर करना है। ये नहीं करना कि कोरोना वायरस हो गया तो उनके पास जाना ही नहीं है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये सीख देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये मेरे पास थोड़ा सा माल है, खादी सिल्क का माल है, काफ़ी अच्छा माल है, बहुत ही सुंदर माल है, और ये भी 150 रुपये मीटर से कम आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा, और बहुत ही सुंदर आइटम। ये आइटम हमारे पास ऐसी है कि रेगुलर हमारे पास ये आइटम हमारे स्टोर पे आती रहती है। देखिए बहुत ही गफ आइटम है, बहुत ही सुंदर आइटम, कोई आपको 150 रुपये मीटर से कम नहीं देगा, और मैं आपको ये दे रहा हूँ 10x9 प्रिंटर, ठीक है जी, मात्र आपको 99 रुपये मीटर मिलने वाले हैं। इसके अंदर भी हमारे पास 4-5 कलर है, वही 44 की विड्थ मिलने वाली है, और वही आपको 2.5 मीटर में कुर्ती तैयार, 2.5 मीटर में सलवार तैयार, और 5 मीटर में आपका सूट सलवार तैयार हो जाएगा। कोरोना वायरस चल रहा है, अपना और परिवार का ध्यान रखिए, जानवरों का बहुत ध्यान रखिए। देखो जानवर ने राम जी का कैसे साथ दिया, राम जी के साथ रहा, 15 दिन तक वो हॉस्पिटल के बाहर रहा, और राम जी के साथ ही वो उनके साथ ही वो चले गया। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर किसी को कोई सिस्टम भी हो जाए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमें उनसे नाता नहीं तोड़ना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हें हिम्मत देनी है, ठीक है? तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और अगर मेरी कहानी सभी को अच्छी लगती हो तो कमेंट में जरूर बताना, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। देखो मेरे मतलब कमेंट करने से और लाइक करने से आप जानते हो मेरा होगा क्या, सिर्फ मुझे एक हौसला बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कहानी सुनाई, लोगों को अच्छी लगी, या कोई उनको कोई दिक्कत हो या कोई उनको समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप मेरे से क्या चाहते हो और इस कहानी के माध्यम से उन्हें क्या सीख मिली, वो मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैब्रिक अच्छे लगे तो फैब्रिक भी खरीदना, ठीक है ना? तो फैब्रिक के बारे में भी लिखना, रेडियो के बारे में भी लिखना, सर्विस के बारे में भी लिखना। और देखो कोई फैब्रिक की डिमांड आप करोगे वो तो मैं ला नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि इस टाइम देखो लॉकडाउन, मैं झूठ तो आपसे बोलूँगा नहीं कि जी नई फैब्रिक हम आपको ला देंगे, अभी डिमांड तो देखो आपकी पूरी हो नहीं सकती। जो माल हमारे पास है वही माल हम आपको रेगुलर हमारे स्टोर का दिखाते रहेंगे आपको, ठीक है ना? ये देखिए, और जो आइटम हमारे पास है वो रेगुलर की आइटम होती है और काफ़ी अच्छी आइटम होती है, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है हमारे पास, रेटों की और क्वालिटी की तो हम गारंटी लेते ही लेते हैं आपसे, ठीक है? ये देखिए, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, मैं आपको वीडियो के माध्यम धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छे मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ गए हैं, और हमें उम्मीद से ज़्यादा काम भी मिल रहा है, लोग हमारी कमेंट में भी तारीफ़ करते हैं, और जो लड़का टीम हमने लगा रखी है उसमें भी काफ़ी तारीफ़ आप करते हो, आपका हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरी कहानी को लोग सुनते हैं तो मुझे पता लगता है कि मेरी कहानी लोगों ने कितने घंटे सुनी, कितने घंटे देखी, मुझे सब पता लगता है, मैं सब चीज़ देखता हूँ और आपके कमेंट भी देखता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए काफ़ी, और फैब्रिक के लिए मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा, देखो कोरोना वायरस चल रहा है, अपनी सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कपड़े के लिए बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है, मैं जैसे हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ, कपड़े के लिए हम जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, तो आप कपड़ा उनसे ले सकते हो कपड़े के लिए घर से बाहर ना निकले। जब लॉकडाउन खुले तभी आप स्टोरों पे, किसी के भी स्टोर पे, मेरा नहीं, किसी के भी स्टोर हो तभी आप जाना। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रिंट है, सेल्फ प्रिंट इसे हम बोलते हैं, और 150 रुपये मीटर की आइटम है, लेकिन ये भी हम आपको 99 रुपये मीटर ही दे, ठीक है? इसका एक ही पीस है हमारे पास, ये भी मैंने आपको दिखा दिया, और ये वाला पीस देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे, ये सेल्फ वाले प्रिंट, ये सब 150 रुपये मीटर से कम के मतलब ही नहीं है, अच्छे अच्छे शोरूम पर, अच्छी दुकानों पर चले गए 250 रुपये मीटर भी हो सकता है, 200 रुपये मीटर भी हो सकता है, 150 रुपये मीटर तो हमारी मार्केट का रेट है इसका, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। कपड़े को जब आप मंगाओगे देखोगे तो खुद तारीफ करोगे, ये सेल्फ है इसके अंदर सारा, काफ़ी अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम आपको मिलने वाली है मात्र 99 रुपये मीटर के अंदर। ये देखिए मेरे पास सेल्फ वाला, बहुत ही अच्छा माल बिकता था हमारे पास ये, अरे देखिए सारा आपको मात्र 99 रुपये मीटर के अंदर, 44 में या ले 44 की बिल, कपड़े की रेटों की गारंटी। खरीदने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जस्ट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन आता है, वहाँ पर आप लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे सीधे हमारी वेबसाइट पे जाके पहुँच जाओगे, इसी कैटेगरी पहुँचोगे, और दायो पे भी टाइप करोगे आप तब भी आप हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, गूगल पे टाइप करो तब भी पहुँच जाओगे, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है दायो फैब्रिक लिखा है, ठीक है जी, ऑर्डर खरीदने का तरीका लिखा हुआ है ऊपर आपका,
तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मॉर्निंग में 11 बजे के बाद हमारी टीम आती है 8 बजे तक, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हो। सारे ऑप्शन हमने आपके लिए कर दिया। अब आपको ना तो कोई स्क्रीनशॉट लेना है, ना व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई का आपको इंतजार करना है, ना आपको कोई मैसेज का इंतजार करना है, ना आपको कोई कॉल का इंतजार करना है। सिंपल सा तरीका, सीधा वेबसाइट पे जाइए, ऑर्डर कीजिए, वेबसाइट पे पेमेंट दीजिए, ठीक है। और आप दायमा फैब्रिक पे बेझिझक होकर पेमेंट कर सकते हो। ये मत सोचना कि ये सीओडी नहीं है, कि फ्रॉड है, ये है वो है। 100% आप ऑर्डर करिए, पैसे दीजिए, 100% आपके पास माल पहुंचेगा। अगर किसी का माल ना पहुंचे, पेमेंट कर दे, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, मैं तुरंत उस पर एक्शन लूँगा और जल्दी टीम से करूँगा कि भाई इनका पार्सल अभी तक ऑर्डर इनका पार्सल अभी तक क्यों नहीं मिला। हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, आपका ऑर्डर नंबर पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, पूरी जानकारी तय तक हम जाएंगे कि आपका पार्सल क्यों नहीं मिला, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए पेमेंट करने के बाद, अगर किसी का पार्सल ना पहुंचे, तो बेझिझक होकर कमेंट में लिखिए, ताकि हम भी देखें और भी देखें, ठीक है ना। तो हम फिर आपकी हेल्प भी करें, तो और कोई पता चले कि दायमा फैब्रिक एक जैन मैन फैब्रिक है, ये देखिए। और इन फैब्रिकों को आप मंगाओगे क्वालिटी की, तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्ट नेट मिलने वाली है आपको क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही सुंदर क्वालिटी, ये देखिए। और मात्र कैरेट 99 रुपये मीटर। प्लेन कपड़ा भी अगर आप फैब्रिक का कॉटन का लेते हो पेवर का, तो वो भी 150-100 रुपये मीटर तो प्लेन कपड़ा ये। और मैं आपको क्या रेट दे रहा हूँ, मात्र 99 रुपये मीटर। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और मैंने आपको 80 रुपये मीटर वाला भी दिखाया था कपड़ा, वो इससे थोड़ा सा मतलब कि इसके अंदर किलो का हिसाब चलता है, इसके अंदर वेट का हिसाब चलता है, ठीक है ना। कैम्ब्रिक में काफ़ी क्वालिटी आती है। वो 120 रुपये मीटर वाली थी जो मैंने कल वीडियो दिखाई थी आपको, वो मैंने आपको 80 रुपये दी है। और ये 150 रुपये मीटर वाली है जो मैं आपको 99 रुपये मीटर दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रिंट है, रेट और क्वालिटी की गारंटी है। हर जगह तरीका मैंने बता दिया है, सारी चीज़ मैंने बता दिया है। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रैक्ट करवा जरूर लिखो। आज मैंने आपको कॉटन के प्रिंट दिखाए और 150 रुपये मीटर की मार्केट वैल्यू है, हमने आपको 99 रुपये मीटर दिखाए। तो जिन जिन कस्टमरों को ये वैरायटी अच्छी लगे तुरंत खरीदे, सीधे हमारी वेबसाइट पर जाए, जैसे ही वीडियो लॉन्च हो हमारी, तो तुरंत हमारी वेबसाइट के नीचे, वो वीडियो के नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा है, वहाँ से आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माता घर में शुभ कंधे समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। दायमा फैब्रिक की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।